इस राधे माँ के लाखों भक्त हैं जो रात दिन इसकी जय जयकार करते हैं, लेकिन खुद राधे माँ आधी रात को क्या करती है आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये माँ आधी रात को लोगों को फोन पर लालच देती है। जी हाँ, राधे माँ की फोन कॉल के ऐसे ऑडियो क्लिप और व्हाट्सएप मैसेज सामने आए हैं जिनमें राधे माँ मीठी मीठी बातें कर फगवाड़ा के एक व्यक्ति को फुसलाने की कोशिश कर रही है। मैं राधे माँ देवी माँ बॉम्बे से, ये मेरा पंजाब का नंबर है। और तू राधे नहीं हो सकती, समझ गई ना? हाँ, तू राधे नहीं हो सकती। क्यों? ये सुबह बताऊंगा तेरे को क्यों। तू इस समय फोन क्यों कर रही है मेरे को? मैं यही बताने के लिए फोन कर रही हूँ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ, समझ लगी ना? कोई तुम्हारी डिमांड है तो मेरे रिक्वेस्ट। क्यों, मुझे भी डिमांड है? मुझे किसी की डिमांड है भाई? मुझे चाहिए कुछ। क्यों, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मैं तुम जैसी लेने के लिए बैठा हूँ। मुझे इंसानियत की जरूरत नहीं है, इंसानियत तुम लोगों को सीखनी है गंदे चोरों से, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ, तुम्हारा तो है ही कुछ नहीं। हाँ, मैं सबसे बड़ी चोर हूँ। बिल्कुल हाँ, कोई बात नहीं, मैं चोर हूँ, मैं बैगर हूँ, मैं गरीब हूँ, कोई बात नहीं। अगर मैं बोलती हूँ, मैं सबसे बड़ी बैगर हूँ। बिल्कुल, तेरी मेरे पास तेरी एक एक रिकॉर्डिंग है, सब सुनूंगा मैं लोगों को टीवी पे देख दूं। मेरे साथ भी सारी है, टेंशन मत ले। हाँ, तो मैं तो कुछ बोला ही नहीं, जो बोली है तू बोली है। किस किस को पैसे, किस किस को पैसे देती है तू, सब बोल खोलूंगा मैं देख दूं। हाँ, देती हूँ मैं पूरे शहर को, देती हूँ। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा पैसा मैं जिसको मर्जी दूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं देती हूँ। मैं अपने पुत्रों को पैसा देती हूँ। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, चल ठीक है फिर। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है तेरे जैसी कमाई की, समझ लगी ना? मुना, मैं तेरा बेटा नहीं, ना तो मेरी माँ, ना मुझे तेरे जैसी माँ चाहिए, समझ लगी? इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद फगवाड़ा के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल ने दी और उसने राधे माँ पर कई संगीन आरोप लगाए। सिटी केबल और कुछ मीडिया के सामने, मैं भी वहीं मौजूद था, इसने सबके सामने माफी मांगी। इसको लाइट पिंक कलर की इसने सूट या साड़ी पहना था, सिंपल। इससे माफी मांगी कि मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मैं लोगों को बेवकूफ बनाती थी, मैं माफी मांगती हूँ कि आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई है, आज के बाद मैं फगवाड़ा नहीं आऊंगी। इसको आधे घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, अखबारों में भी है, अखबार में न्यूज़ भी आई कि इसको आधे घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, अगर तू फगवाड़ा से नहीं गई तेरे खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। जब मैंने देखा, मैंने फेसबुक पे इसकी पूरी पिक्चर डाली कि चिकन खाती है, फिश खाती है, सब कुछ इसका पूरा मैं इसको एक्सपोज करता रहा। तो इसने बड़ी कोशिश करी मेरे पे इन्फ्लुएंस करने की, मुझे हर तरह का प्रलोभन देने की कि मुझे खरीद सके। तो जब फ़ोन पे किया तो उधर से आवाज़ आई, सुरेंद्र मैं राधे, राधे गुरु माँ। तो मैं एकदम हैरान हो गया, ये कौन है? मुझे लगा शायद कोई षड्यंत्र हो रहा है, कोई मेरी साजिश हो रही मुझे फंसाने की। तो मैं कहा कौन? कह राधे गुरु माँ। मैं कहा तो राधे नहीं हो सकती। जिस तरीके से मेरी कन्वर्सेशन हुई, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। तो ये क्लेम करने लगी, बोल तुम्हारी डिमांड क्या है? मैं कह मेरी क्या डिमांड है, तू मेरी डिमांड क्या पूरी करेगी? इस तरीके से मेरी इसके साथ बातचीत हुई, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने बात नहीं करी। फिर दोबारा से फ़ोन आने शुरू हो गए। फिर एक इसकी वो रजी मासी, मैं रजी मासी बोल रही हूँ, मैं, इन्होंने इस तरीके से भद्दे मजाक किए, अश्लीलता पूर्वक बातें की मेरे से। राधे माँ की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लोग राधे माँ के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हालांकि इस सब पर राधे माँ का कोई बयान नहीं आया है।